नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। क्षेत्र की नगर पालिका का काम सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, जिसमें एक मुख्य काम सफाई और जल निकासी का प्रबंध कराना भी है। लेकिन नगर पालिका विकास नगर की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। क्षेत्र डाकपत्थर के प्रतिबंधित प्रोजेक्ट क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नगर पालिका विकास नगर के द्वारा सभी मानकों को ताक पर रखकर अवैध कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। यमुना खादर बस्ती में घनी आबादी के बीचों बीच जहां पूरे पछवादून का कूड़ा लाकर इकट्ठा कर आम जनमानस का उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका विकास नगर के द्वारा कुछ समय पूर्व डाकपत्थर यमुना खादर बस्ती को जबरन उजाड़ कर सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया था। यमुना नदी से महज 70 मीटर की दूरी पर नगर पालिका विकास नगर के द्वारा कूड़े के अंबार लगा दिए गए हैं। उक्त कूड़े के ढेर से पूरे दिन मवेशी कूड़े के साथ साथ पॉलीथीन को भी निगल रहे हैं, जिससे वे बीमार भी पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माननीय न्यायालय के द्वारा गंगा यमुना नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है और गंगा यमुना को नुकसान पहुंचाने वाले पर आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश भी पारित किया गया है। नगर पालिका विकास नगर सभी मानकों को ताक पर रखकर यमुना नदी के किनारे कूड़े के अंबार लगाकर यमुना नदी को दूषित कर पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है और साथ ही माननीय न्यायालय के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। आपको बता दें कि शीशमबाड़ा टचिंग ग्राउंड का निर्माण इसलिए किया गया था कि पूरे जनपद देहरादून का कूड़ा वहां लाकर डाला जाए, तो फिर नगर पालिका विकास नगर और मैक्स फाउंडेशन नामक संस्था द्वारा यमुना नदी के किनारे कूड़ा इकट्ठा करना अपने आप में बड़े सवालों को खड़ा करता है। वहीं जब इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी राजीव खान ने नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा से बात की, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत कार्रवाई की और अब लगभग 5 से 6 टन कूड़ा शीशमबाड़ा में जाता है। अब सवाल यह है कि अगर माननीय अध्यक्ष के मुताबिक सारा कूड़ा शीशमबाड़ा में जाता है, तो फिर ये नदी यमुना नदी के पास आखिर इतना कूड़े का ढेर जो अंबार लगा है वो कहाँ से आया? नगर पालिका कूड़ा जो है डाक पत्थर में डंप किया जा रहा है, इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी है? जैसे ही मैं यहाँ पे अध्यक्ष बनी हूँ, ठीक 15-20 दिन बाद कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें कि माननीय विधायक जी का भी सहयोग रहा। नगर पालिका पूरे बोर्ड ने इसका जो है बहुत तेजी से कार्य किया और हमारा जो कूड़ा है इस समय शीशमबाड़ा में जा रहा है। अच्छा, जैसे मैडम ये माननीय न्यायालय का आदेश भी है, क्या कहते हैं, नदियों को स्वच्छ रखा जाए, क्या ये उचित है मैडम यहाँ पर जो कूड़ा डाला जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल उचित है और हम लोग तो बिल्कुल व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये तो हमारा विकास नगर का बड़ा सौभाग्य है कि हमने तुरंत इस कार्रवाई को किया और एकदम जो भी कूड़ा था उसका निस्तारण हमारा हो रहा है। हर समय हमारा 6 टन कूड़ा यहाँ से जाता है विकास नगर से। शीशमबाड़ा जा रहा है। तो क्या मैडम कोई और व्यवस्था की जाएगी कि कूड़ा जो है यमुना नदी के किनारे न डाला जाए? बिल्कुल नहीं डाला जाए। तो एक मिशन है, ये तो अभियान है, एक कि स्वच्छ हमारी जो नदी है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, ये तो मिशन ही है, पूरे देश का है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।